अनुपमा में जो वनराज करने वाला है वो उड़ा देगा सबके होश। दरअसल अब शुरू होगा वह अनुज और अनुपमा की शादी का ट्रैक, जहां पर वनराज कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा अनुपमा के मंडप ने दूल्हे की जगह खुद बैठने में। जी हां दोस्तों, काफी शॉकिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जहां वनराज की जलन इतनी बढ़ जाने की वाली है अनुज अनुपमा के प्यार से कि उसे समझ नहीं आएगा कि वो आखिर अनुपमा को कितनी तकलीफ पहुंचा देगा। तो देखने को मिलने वाला है कि कहां वो वनराज मनी मन कहीं यही मान बैठेगा कि वो अब वापस से अनुपमा से शादी कर लेगा, जिससे कि अनुज के सारे सपने टूट जाएंगे। देखने को मिलेगा कि अनुज के को ड्रिंक करवा के, यानी कि उसे ऐसी कोल्ड ड्रिंक पिला देता है जिससे कि उसे नशा हो जाता है और वो वाटर टैंक पर चढ़कर हंगामा मचा देता है अनुपमा से शादी का, और अगले 26 जन्मों तक के लिए वो अनुपमा का ही होकर रहना चाहता है ये कहते नजर आएगा। यहाँ तक कि उसका पैर फिसलने भी वाला होता है, लेकिन अनुज अपने आप को संभाल लेगा और यहाँ पर हादसा होते होते टलता है। तो वही यहाँ पर बापूजी इस सब कुछ हंगामे के बाद में बापूजी फैसला करते हैं कि अब जब सब पता चल ही चुका है तो अब शादी भी हो ही जानी चाहिए, शायद कान्हा जी की यही मर्जी थी, और अनुज को गिल्ट होने से बचा लेते हैं और खुद ही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब अनुज की और अनुपमा की शादी जल्द ही इसी सप्ताह की जाएगी और इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो वही वनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि अब बापूजी इन दोनों की शादी करवाने वाले हैं और डोली भी उसके सामने से उठेगी। ऐसा तो वो कभी नहीं होने देगा और वो ठान लेता है कि वो मंडप में कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। मेहमान ने यहाँ पर शादी की कई रस्मों में वनराज गड़बड़ी करते दिखने वाला है, एक के बाद एक अपशगुन करते दिखेगा। लेकिन अनुपमा भी पता चल जाता है कि वनराज खुद जानबूझकर ये नौटंकी कर रहा है, वो उसे वार्न भी करते नजर आती है, साथ में उसे चैलेंज भी करती है कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन ये शादी तो हो के ही रहेगी और आप इस शादी को नहीं रोक पाएंगे। वही कामया भी वनराज को बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वनराज किसी की नहीं सुनने वाला, और देखने को मिलने वाला है कि अब ड्रामा तो असली अब मंडप में होगा, जहां पर अनुज की जगह वनराज पहुंचने वाला है। यह दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहां पर वनराज मंडप में पहुंचने की कोशिश करेगा अनुज को बेहोश करके, उसे ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाकर ताकि अनुज मंडप तक ना पहुंचे और वनराज मंडप में फेरे ले ले। तो काफी ड्रामा मंडप में होगा जब अनुपमा को ही एहसास हो जाएगा कि ये अनुज नहीं वनराज है। कि मां ने अनुपमा यहां पर रोकते नजर आएगी तो दूसरी तरफ अनुज भी पहुंच ही जाएगा आखिरी वक्त में, और देखने को मिलेगा इनका असली प्यार कि आखिर असली प्यार क्या होता है। और अनुपमा भी वनराज को यहां पर मंडप में ही जोरदार थप्पड़ मारती नजर आएगी कि इससे घटिया हरकत आपकी हो नहीं सकती है, और सबके सामने एक बार फिर से वनराज की बेइज्जती होते दिखेगी और फिर होगी अनुज और अनुपमा की वनराज के सामने ही शादी, जहां पर वो वनराज अपना साफा फेंक कर भागते नजर आएगा और उसे कार्य संभालते नजर आएगी। तो आप लोग कितना एक्साइटेड इस ड्रामे को देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।